जब जनक सपने को पूरा करने के लिए गुरुजी उसकी साथ देता है तो कहीं एक चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि जो वहाँ के बच्चे होते हैं ना वो बिल्कुल इसका सपोर्ट नहीं करते। हालांकि अनुरोध से जो बाद में मुलाकात होती है जनक की, तो उसकी उम्मीद अनुरोध से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सच में यही सारी चीजें उसे उसके सपने के करीब भी लेकर के जाती है, जो सच में काफी मजेदार हो जाती है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग अनुरोध के घर से होती है, क्योंकि जब यहाँ पे बिपाशा बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है उससे और उल्टी सीधी बातें बोल रही होती है कि तुम्हारे बारे में बाहर वाले क्या सोचते हैं, तो साफ बता देता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि वो इसलिए खुश है कि वो जनक की जिम्मेदारी को उठाना चाहता है, क्योंकि जनक वैसे भी तो इसकी ही जिम्मेदारी थी ना, तो अब कैसे भी कुछ भी हो जाए लेकिन ये जनक को खोज करके रहेगा, ये हाथ पे हाथ रख करके बैठने वाला नहीं है। और बस ये खोजने के लिए निकल जाता है, अपने मॉम डैड की बातों को नहीं सुनता है, क्योंकि उनकी भी बातें में बहुत ऐसी बातें होती है जिसको मानना लगभग नामुमकिन है। मतलब उनके अनुसार तुम आँख कान बंद करके बस कोल्हू के बैल की तरह चलते रहो, लेकिन इस बात के लिए अनुरोध बिल्कुल एग्री नहीं करता, बल्कि फैसला करता है कि मेरे पास अगर दिमाग है तो मैं अपनी सोच और शक्ति का पूरा इस्तेमाल करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जनक को खोज करके रहूंगा। अगर उसे कुछ हो गया तो जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना, और मैं इस गिल्ट के साथ में नहीं जी सकता। लेकिन गुरु लोग चीजें कॉम्प्लिकेटेड यहीं से बनना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जहां जनक को बस वहां के जो बच्चे होते हैं उस एकेडमी के ना, वो लोग परेशान करने लगते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि यहां पे काम करने के लिए आई हुई है नई लड़की है, तो अब उसे बहुत सारे ऑर्डर दे देते हैं कि तुम ये बना करके लाओ, वो उसे कन्फ्यूज कर रहे होते हैं। और लिटरली जब वो बना करके लाती है तब तो गुरु जी भी आ चुका होता है, और गुरु जी के सामने इसकी और ज्यादा बेइज्जती कर देते हैं लोग कि देखिए ना सर, हम लोग तो बस ऐसे ही बोलते लोग कुछ ऐसे वैसे, लेकिन ये तो देखिए क्या क्या बना कर ले, अगर जनक तुम्हें पीना था तो तुम खुद के लिए बना लेती, ये हम सबका नाम मत बदनाम करो, क्योंकि वो सभी चीजों को बनाने में ब्लैक कॉफी ब्लैक टी टाइम तो लगा था। और इन सभी के बीच में गुरुजी बहुत गुस्सा भी हो रहा था कि जब बुला रहे तो तुम आ नहीं रही हो, क्योंकि तुम्हारा काम तो भाई हमारा देख रेख करना है ना, और तुम खुद ही यहाँ पे नहीं आ रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन यहाँ पे जनक समझा देते कि नहीं, ये कॉफी टी बना रही थी, बस उसमें ही लेट लग गया, लेकिन अब दोबारा नहीं होगा। अब देखो गुरुजी तो इस बात को भूल करके वहाँ पे डांस फिर से करना स्टार्ट कर देता है, वो सभी को समझाता है, लेकिन एक प्रजापति करके होती है भाई टॉप की लगती है, ठीक है बात थोड़ी सी काली होती है लेकिन वो मस्त लगती है, और वो थोड़ी हरामी है यहाँ पे। अब वो जनक की ना फिर से बेइज्जती करवाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लोग जनक को, पहले तो वो बाहर जाकर के देख रही होते हैं, क्योंकि जैसे कि वो गाना सुनती है तो उसे भी डांस करने का मन करता है, उसकी पहले बीमारी है तो यहाँ पे वो उसे नाचने का मन करता है, लेकिन ये लोग उसकी बदनामी करवाने के लिए बोल देते हैं कि इसके कारण हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं सर, हम ध्यान नहीं कर पा रहे अपने डांस पे, प्लीज इससे बाहर हटाइए। खैर जनक को बुलाते हैं, बेइज्जती करते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही सारी चीजें बढ़ती जाती है। बाद में गुरुजी की नजर में ये सारी बातें आती है तो वो सोचते हैं कि जनक को एक लास्ट मौका देना चाहिए, अगर ये डांस करती है तो क्यों नहीं, क्योंकि एक लड़का तारीफ कर देता है कि सर जैसा डांस सिखा रहे हैं ना वो सारे स्टेप्स को ये बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, तो एक मौका देना तो बनता ही है। और यही कारण होता है कि गुरुजी जब बोलते हैं तो वो इस मौके का पूरी तरीके से फायदा उठाती है, वो इतना बेहतरीन डांस करते हैं कि गुरुजी खुद उसके फैन बन जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये कैरेक्टर कोई उससे प्यार मोहब्बत करने वाला नहीं है, बल्कि हाँ ये थोड़ा उससे लाइक करेगा, ये खुद ही गे टाइप इंसान है। बट यहाँ पे चाहिए भाई पावरफुल कैरेक्टर जो समझो कि जेलस फील करवा सके अनुरोध को, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें होती है। हालांकि अनुरोध भी आ चुका होता है मुंबई, और यहाँ पे सबको पता नहीं होता है कि वो मुंबई आ चुका है, वो बस अर्जुन के साथ में निकल जाता है, लेकिन पहले हो सकता है कि यही हो। अब यहाँ पे ना चीज़ें धीरे धीरे और मुसीबत में डाल देती है उससे, क्योंकि जब आता है तो तब तक जनक की शुरुआत हो चुकी होती है एक डांसर के रूप में, और एकेडमी से ही काफ़ी सारे लोग उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, और अब इसका प्यार ना सच में जाने के लिए और ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि बाद में मुलाकातें भी होती है जब वो तैयार होकर के स्टेज पे जाने वाली होती है, क्योंकि वहाँ पे अब इसका नाम अनाउंसमेंट हो रहा होता है, तो इससे सबसे पहले इसकी भावनाओं को दुख दर्द को भूल करके कैसे भी स्टेज पे जाना होगा, और वहाँ पे जाएगी डांस परफॉर्मेंस करेगी, जो भी चीज़ें होगी वो काफ़ी मज़ेदार होगी। हालांकि इन सभी के साथ एपिसोड की एंड नहीं कर जाती है, ये डांस परफॉर्मेंस वाला सीन ही पोस्टेड सीन होता है, लेकिन सच में ये काफ़ी मज़ेदार है। वो बिल्कुल भी ना अनुरोध के किसी सवाल के जवाब देना चाहेगी और ना ही कुछ और, ना ही उससे बातें करना चाहते हैं, वो बस फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ अपने सपने पे, ताकि वो अपने माँ के सपने को पूरा कर सके और वो एक अच्छे जीवन जी सके। वो जो चाहती है जिस सपने को जीना, वो उस सपने को जिए और खुशी खुशी जिए। और इसमें हो सकता है कि अनुरोध थोड़ा बूढ़ा उसको लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, दुख तकलीफ तो होगा ही होगा। लेकिन सच में ये काफ़ी मज़ेदार हो गया, लेकिन बवाल भी होने वाला है। खैर इसके साथ एपिसोड कैंड कर जाते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं होता है, वैसे BTS हैं बट वो किसी खास एपिसोड को जस्टिफाई नहीं करते हैं, वो छोटे प्लॉट्स ही हैं बस, हाँ जिसमें जनक को एक मौका मिलता है। हाँ मैं बता दूं कि छोटन भी यह होता है अपनी शादी को कैंसिल करवाने के लिए, वो जाकर के मृणालिनी से बोल देता है कि देखो कल हम तुम्हारे घर आने वाला है, तो प्लीज़ तुम पहले ही शादी को कैंसिल करवा दो ना, क्यों वहाँ पे आकर के माथा फोड़ी करना। वो भी बोल देते हैं कि ठीक ठीक है करवा देंगे, क्योंकि छोटन बता देता है कि मैं दरअसल किसी और लड़की से प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। उसे लगता है कि क्या वो लड़की सुंदर है, तुम उसे प्रेम करते हो, ये सुतरा
अब तो कोड वर्ड में बातें कर रहे होते हैं जी वो ये तो बहुत अजीब लगता है। खैर मैं नाली सोच लेती कि ठीक है तुम जैसा सोचते हो वैसा मैं करवा दूँगी, मैं डैड से बोल करके मना करवा दूँगी कि नहीं शादी ना हो। और बस इनका भी एक अलग स्टोरी लाइन है जो सच में काफ़ी बेहतरीन है, तो इससे फनी है लेकिन ये मज़ेदार है।